गाइस, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। वेलकम है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी की क्लास में। और हम लोगों ने जो कल क्लास नहीं चल पाई थी, क्योंकि कल थोड़ा सा नेट का जो इशू था वो नेट हमने चेंज करा रखा था, दूसरा नेट लगवाया था, इस वजह से क्लासेस कल नहीं जा पाई। शाम तक सारी चीजें ठीक हो पाई थी, तो हम लोग चलिए आज से उम्मीद होगा कि सारी चीजें ठीक ठाक चलेंगी बेहतर तरीके से। तो एक बार पीछे की चीजों को रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने आपको सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम लद्दाख जास्कर वाले सेक्टर को मैप पर दिखा दिया था। उसके पास उसके बाद हम लोगों ने नदियों के फॉर्म को भी बता दिया था कि नदियों का क्या क्या फॉर्म है, कैसे कैसे चीजें हैं, और स्योक नदी किसको किसको अलग करती है, सिंधु नदी किसको किसको अलग करती है, ये सारे हमने फॉर्मेट आपको बता दिया था। उसके बाद हमने आपको बृहद हिमालय के सेक्शन हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें बृहद हिमालय में हमने आपको बताया था कि बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय को हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। फिर हमने बताया था कि यह जो हिमालय है, क्योंकि हम अब ट्रांस हिमालय से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ट्रांस हिमालय ऊपर था, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ आएंगे तो हमें ऑक्सीजन की भी मात्रा थोड़ी थोड़ी मिलनी शुरू हो जाएगी, और एनवायरमेंट भी वहां का सही होगा। तो यहाँ पे इस क्षेत्रों में वनों का विकास देखने को मिलता है, मानव निवास भी देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से। और हमने बताया था कि जो ग्रेट हिमालय है, यह हिमालय की उत्पत्ति का सबसे प्रथम भाग माना जाता है, पहला हिस्सा माना जाता है, और इसका विस्तार भारत के दो राज्यों में है, उत्तराखंड और सिक्किम में इसका विस्तार देखा जाता है। वहीं अगर इसके हम विस्तार की बात करें नेपाल में, तो नेपाल में इसका सर्वाधिक विस्तार और सबसे अधिक ऊंचाई इसकी नेपाल में देखी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया था कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के नॉर्थ में किसका विस्तार है, हमने बताया था कि नॉर्थ में ट्रांस हिमालय का विस्तार है, जो किसके द्वारा अलग होता है, तो आप लोगों के द्वारा पढ़ाया जा चुका है पहले ITSZ के द्वारा, यानी इंडस सांको सचर जोन के द्वारा यह ट्रांस हिमालय से अलग होता है। उसके बाद हमने कहा था कि बृहद हिमालय के इन साउथ में, यानी इसके दक्षिण में देखा जाए, तो इसके दक्षिण में जो है मध्य हिमालय का विस्तार पाया जाता है, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ये चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखी थी। उसके बाद हमने बताया था कि इसकी लंबाई जो है वही है जो हिमालय की है, 2500 किलोमीटर। चौड़ाई इसकी सबसे ज्यादा है, 25 किलोमीटर चौड़ाई है। इस हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी का विस्तार है, अभी आगे पढ़ाने वाला हूं मैं। वनों का विकास देखा जाता है, इस हिमालय में चोटी का भी विस्तार है। यहां पर इस हिमालय में श्रेणियों का विस्तार नहीं, जैसे काराकोरम लद्दाख जास्कर इन जैसे श्रेणियों का विस्तार इस हिमालय में देखा नहीं जाता है, इस हिमालय में चोटियों का विस्तार अत्यधिक देखा जाता है। और हमने ये भी बताया कि जो नंगा पर्वत था, एक्चुअली में अगर कहा जाए तो वो बृहद हिमालय का पार्ट था, लेकिन जब हिमालय का शिफ्ट होने की वजह से वो ट्रांस हिमालय की तरफ जाकर शिफ्ट हो गया है, इसलिए उसे भूगोल वेताओं ने ट्रांस का हिस्सा बना दिया था। यहां तक की चीजों को हम समझा रखे थे। अब ग्लेशियर में देखना है, तो ग्लेशियर में आप याद कर लेना, यहां से एक लिख लेना, गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? गंगोत्री ग्लेशियर, यहां पर देख लेना, गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, तो आप यमुनोत्री ग्लेशियर भी याद कर लेना गाइस, ये भी पूछा जा सकता, पूछा गया है यार एग्जाम में, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर के बाद अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा मिलान ग्लेशियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिलान ग्लेशियर हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ग्लेशियर जो है वो किस पार्ट के हिस्सा माने जाते हैं? आपके बृहद हिमालय के ही हिस्सा माने जाते हैं। जैसा कि आपको एक पॉइंट और बड़ा यहां पर ध्यान पे रखना पड़ेगा, दर्रा को लेकर, पासिस को लेकर। अभी खैर मैं दर्रा में आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर इस दर्रे को चर्चा करेंगे। दर्रे का इंग्लिश क्या होता है? पास कहा जाता है। पास का मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। वो मैं इस पार्ट को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बना हुआ है, ये बना हुआ है, जैसे दे देगा यमुनोत्री ग्लेशियर किस हिमालय का भाग है, तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो आप वहां पर टिक कर पाओगे कि भाई ये बृहद हिमालय का पार्ट माना जाता है। उसी तरीके से गाइस अगर हम बात करें तो यहां पर आपके दर्रे भी पूछे जाते हैं। दर्रा मतलब क्या होता है? दर्रा दो तरीके, दर्रा का मतलब समझ जाइएगा कि जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्वतों को काट कर जो सकरे मार्ग का, जो पतले मार्ग का निर्माण किया जाता है, उसी मार्ग को हम दर्रा कहते हैं। तो उत्तराखंड में कुछ विशेष दर्रे हैं, उन दर्रों की चर्चा कर लेते हैं। दर्रा में कौन सा है? दर्रा में सबसे पहला आता है थाना दर्रा हो जाता है, थाना माना नीति, सलसला और लिपुलेख। क्या होते हैं? लिपुलेख। आप
आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इन सभी धरों को आप जाकर किसी भी सॉल्ट पेपर में देख सकते हो। इनके बारे में मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाता है। एक तरफ क्या कर देगा, एक तरफ आपके हिमालय का नाम दे देता है एक तरफ, और एक तरफ आपके मान लो धर्रा दे दिया या पास, सॉरी धर्रा यानी पास दे दिया या ग्लेशियर दे दिया, और उनको सुमेलित करने के लिए बताता है या बोलता है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। उस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, थाना माना नीति सलसला और उल्लेख जो है ये दर्रे इससे बिलोंग करते हैं। और भी दो दर्रे आते हैं, जैसे अगर देखना चाहेंगे तो और भी दर्रे आते हैं, जैसे ये सब कहाँ पर है, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, ये बड़ा जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है ये किससे बिलोंग करते हैं, तो गए जी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। किससे, उत्तराखंड में। ये सभी के सभी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। दो दर्रे और आते हैं, एक दर्रे का नाम होता है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा होता है एक दर्रा को, सभी दर्रों को दोबारा पढ़ाऊंगा बस यहाँ बता रहा हूँ, नाथुला दर्रा। और होता है जेलेपला, क्या होता है, जेलेपला दर्रा होता है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ये भी जो दर्रे होते हैं ये भी किससे बिलोंग करते हैं, ये भी सब आपके किससे बिलोंग करते हैं, बृहद हिमालय से बिलोंग करते हैं। किससे, बृहद हिमालय से संबंधित है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं गाइस, तो आप सबको बहुत आसानी से पता होगा, ये सब सिक्किम राज्य से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आपको फाइनली इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हीं फॉर्मेटों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा दर्रा किस हिमालय से बिलोंग करता है, कौन सा ग्लेशियर किस हिमालय से बिलोंग करता है। इन चीजों को बहुत ध्यान से थोड़ा सा नोट डाउन आपको कॉपी पर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, इतने चीजों को आप लोगों ने लिख लिया था, कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा जोड़ी है इसमें क्योंकि मैंने इसको मिटाया नहीं था, क्योंकि मुझे ध्यान पे नहीं था कि कहां से मैं स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा इसको रहने देते हैं, यहीं से कंटिन्यू कर देंगे हम बच्चों को। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए फटाफट से, तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से जल्दी करिए तो मैं आगे बढ़ूं यहां से सेक्शंस लेकर। जल्दी करो भैया, जल्दी करिए, एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर होगा, गारंटी है हमारी, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं मैं, हर एक एक पोर्शन में आपको क्लियर कराऊंगा। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो भाई इसको, थोड़ा सा इधर व्यस्तता ज्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं। मुझे पता है कि आप लोगों की मुझसे नाराजगी शायद बहुत ज्यादा है, खैर कोई बात नहीं है, जिस दिन पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा उस दिन आपकी नाराजगी भी समाप्त हो जाएगी, ये भी मुझे पता है। चलिए फाइनली मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, फाइनली मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो मेरी बात, अब हम जो बृहद हिमालय की मैपिंग करेंगे वो अब आपके ऊपर है कि वो मैपिंग कहाँ करना चाहते हो, आप वो मैपिंग मैप पर अलग मैप पर बनाकर चल करना चाहते हो या इसी के आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हो, ये अब आपके ऊपर है, इसी के आगे कंटिन्यू करोगे। मैं तो कहता हूँ प्रांस और बृहद और मध्य सब एक ही पर बना लो, अगर बना पाओगे तो, अन्यथा कोई बात नहीं है, ठीक है, अन्यथा कोई भी बात नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से दो चीजों के बारे में बहुत विशेष जानने वाले हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि इसका बृहद हिमालय का अगर हम करें, अगर हम हेडिंग डालें यहाँ पर बृहद हिमालय कर लिखें यहाँ पर, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने ये बताया है कि जो बृहद हिमालय है उसका विस्तार हम लोगों ने दो राज्यों में बताया था कि भारत में इसका विस्तार है। कहां पर है गाइस, भारत में इसका सबसे पहले विस्तार बताया था, और भारत में हमने विस्तार बताया था कि इसका विस्तार जो है वो कहां कहां पर है, तो इसका एक विस्तार उत्तराखंड में है, सीधे सीधे हम लोगों ने बताया था कि उत्तराखंड में यहाँ पर है। तो अब उत्तराखंड में इस भारत का विस्तार है, तो और हमने ये भी बताया कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय में चोटियों की श्रेणियों की अधिकता नहीं देखी जाती, चोटियों की विशेषता देखी जाती है। तो गाइस अब हमें यहाँ जानना पड़ेगा कि उत्तराखंड की चोटियां कौन कौन सी है, तो उत्तराखंड की चोटी हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन सी उत्तराखंड की चोटी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी पीक कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। एक एक सेक्टर समझेंगे, सबसे पहला जो चोटी आता है यहीं से लिख रहा हूं, बंदर पूंछ कहा जाता है, सबसे पहला जो आता है वो होता है बंदर पूंछ चोटी होती है, कौन सी होती है, बंदर पूंछ चोटी, कौन सी होती है, बंदर पूंछ हो जाता है, बंदर पूंछ। अगला क्या होता है, कामेत होता है, बंदर पूंछ कामेत, देखिए एक एक पॉइंट समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, बंदर पूंछ कामेत हो जाता है, ठीक है, कामेत होता है, कामेत के बाद होता है चौराबंगा, चौराबंगा हो जाता है, चौराबंगा, चौराबंगा के बाद क्या होता है, दुना गिरी हो जाता है, एक एक पॉइंट समझिएगा, ठीक है, दुना गिरी हो जाता है, दुना गिरी के बाद क्या हो जाता है गाइड, दुना गिरी हो गया, ठीक है, दुना गिरी के बाद होता है नंदा देवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा नंदा देवी।
नंदा देवी के बाद त्रिशूल हो जाता है, तो लिख लीजिएगा त्रिशूल, लिख लीजिएगा, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, देख लीजिए मैं, त्रिशूल हो जाएगा और त्रिशूल के बाद क्या हो जाएगा, नंदकोट हो जाता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा नंदकोट करके, ठीक है। ये सभी के सभी जो है आप चोटियां हैं जो उत्तराखंड में स्थित है। कौन कौन सी भैया, बंदरपूछ हो गया, बंदरपूछ के बाद कामेत हो गया, कामेत के बाद चौराबंगा हो गया, चौराबंगा के बाद दूनागिरी हो गया, दूनागिरी के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद त्रिशूल, और त्रिशूल के बाद क्या हो गया, नंदकोट हो गया। ये सभी की सभी क्या है आपकी उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां हैं। इन सभी चोटियों को क्या करिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां से हम जान लेते हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां से हम समझ लेते हैं। जैसे इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो गैज वो है नंदा देवी के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नंदा देवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। क्या आइए क्या जानेंगे नंदा देवी के बारे में। सबसे पहली बात तो नंदा देवी के बारे में ये जान लीजिएगा कि इसे कहा जाता है कि हाईएस्ट पिक ऑफ, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है कि हाईएस्ट पिक ऑफ, हाईएस्ट पिक ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। क्या कहा जाता है, हाईएस्ट पिक ऑफ उत्तराखंड, यानी यह उत्तराखंड की क्या कही जाती है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कही जाती है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी है वह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। कौन सी गाइस, नंदा देवी जो है वह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरी बात, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड, इसी के समीप, याद रखिएगा, इसी के समीप कह रहे, इसी के समीप जो कह रहे, कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। क्या है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। क्या है, नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जो है इसी पहाड़ी से बिलोंग करता है, इसी पहाड़ी से रिलेटेड है। इस बात को बखूबी और बहुत अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिएगा। अगला अगर पॉइंट देखें, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो अन्य में देखा जाए, अन्य अन्य देखा जाए, अगर हम यहाँ पर अन्य कर दें, देखो एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, उसे ध्यान में रखिएगा। अन्य देखा जाए तो अन्य में याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, यानी क्या कहा जाता है, वैली, वी ए डबल एल ई वाई, वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है। तो कभी भी पूछा जाए कि वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी किस राज्य से बिलोंग करता है, तो आप वन क्वेश्चन सोना चाहिए, यह जो बिलोंग करता है उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता है, जो काफी फेमस है और आपके एग्जाम्स में कई बार आपसे क्वेश्चंस में पुटअप किया गया है। तो याद रखिएगा किस राज्य से बिलोंग करता है, अगर राज्य पूछेगा तो आप प्यार से कहिएगा कि उत्तराखंड राज्य से होता है। कहां से होता है भैया, उत्तराखंड राज्य से क्या करता है, यह बिलोंग करता है, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहोगे तो इसके अलावा भी मैंने बताया, और याद रखिएगा ये जितने भी मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, ये जितने भी मैंने आपको यहां से लेकर और यहां तक का जितने भी बताया है, ये सब क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, बृहद हिमालय से संबंधित है, यहाँ पॉइंट करके लिख लीजिएगा, जो है बृहद हिमालय से संबंधित है, बृहद हिमालय से संबंधित है, से संबंधित है, बृहद हिमालय से संबंधित है, पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिएगा। और जितने भी ये पहाड़ियां देख रहे हो, ये आपके क्या है, पश्चिम से पूर्व में क्रम है इनका, पश्चिम से पूर्व क्या है, क्रम है, क्योंकि क्रमिक रूप से यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व में इसका क्रम बताओ, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, सभी चोटियों को आप याद कर लीजिएगा। अब अगर आपको उसको मैपिंग करना होगा तो बहुत इजिली मैं करा सकता हूँ, एक एक मैपिंग में आपको करा दे रहा हूँ भाई, याद रखिएगा कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया और एक सात हो गया। ये सातों की सातों चोटियां हो गई हमारी यहाँ पर, कहाँ पर, आपके उत्तराखंड में। अब इनको प्यार से लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, बंदरपूंछ, तो बहुत धीरे से छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, बंदरपूंछ हो गया, बंदर पूंछ के बाद क्या है, कामेत हो गया, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कामेत। आज से ही आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, कामेत,
कामेत के बाद क्या हो जाएगा, चौरावंगा तैयार करेंगे, चौरावंगा हो जाएगा, चौरावंगा लिख लेंगे। ठीक है, गलत हो रहा है ना? हाँ गलत हो रहा है, ये थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा इसको। चलिए मैं इसको आधा इधर लिख देता हूँ, आधा इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, हम मध्य वाले किसी और सेक्टर में बना नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्या हो जाएगा, चबंदर पूछ हो जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर बंदर पूछ हो जाएगा। ठीक है, बंदर पूछ, बंदर पूछ के बाद क्या हो जाएगा, कामेत हो जाएगा, तो लिख लेंगे कामेत, लिख लेते हैं कामेत हो जाएगा। ठीक है, बंदर पूछ कामेत। कामेत के बाद अगला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दूना गिरी, तो यहाँ लिख लेते हैं दूना गिरी, लिख लेते हैं। क्लियर हो गया, दूना गिरी। दूना गिरी के बाद ये क्या पड़ जाएगा गाइस, दूना गिरी के बाद क्या पड़ेगा याद रखिएगा। ठीक है, कामेत बंदर पूछ कामेत, एक सेकेंड, ये हो जाएगा चौरावंगा, गलत हो रहा ना, एक सेकेंड, ये हो जाएगा चौरावंगा, चौरावंगा भी सही है भाई, चौरावंगा। ये हो जाएगा दूनागिरी, दूना गिरी हो जाएगा। दूना गिरी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंदा देवी, इसको कर लेते हैं क्या, नंदा देवी कर लेते हैं, सारी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी हो जाएगा। नंदा देवी के बाद ये क्या हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा, तो यहाँ करके लिख लो इसको, त्रिशूल लिख लो, क्या लिख लो, त्रिशूल। और यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा नंद कोट हो जाएगा, तो यहाँ करके लिख लो नंद कोट। बताओ कोई दिक्कत आया तो बताओ, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर एकदम, पूरा का पूरा सेक्टर पूरा क्लियर हो गया। चलो और पूरी में की पूरी मैंने मैपिंग करा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गाइस इसको भूलना मत, इसको जरूर याद कर लेना, कई बार आपके एग्जाम्स में यहां से प्रश्न खास करके पूछे गए, तो इस सेक्टर को जरूर याद कर लेना, ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग नेपाल वाले में आते हैं, तो इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेपाल वाले सेक्टर में आते हैं, कॉपी करो फटाफट से, इसको कॉपी करो जल्दी से जल्दी कॉपी करो, फिर हम लोग नेपाल वाले सेक्टर में आ जाए, नेपाल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी करो भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सभी के सभी। और देखिए इतना अगर आप पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूं ना कि आपकी कहीं से भी कुछ जाएगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, आप एक भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, कमेंट फटाक से कंप्लीट करिए। हो गया, नामचा वर्मा के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तिब्बत पस और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, कई बार क्वेश्चंस यहां से पूछा गया है, और अभी हम नामचा वर्मा के बारे में जिक्र भी आगे भी करेंगे, तो वहां भी हम आपको नोट डाउन कराएंगे। बोले यहां तक में क्लियर होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलिए आराम से पढ़िए मस्ती से, ठीक है, चलिए आराम से पढ़िए, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए एक ही मैप पर बनाओगे ना, तो एक मैप पर बनाने का फायदा ये होगा कि आपके पास देखो ट्रांस और बृहद एक मैप पर बना दो, ठीक है, ट्रांस और बृहद एक मैप पर बना लीजिए, एक सेकंड, नेपाल की चोटियां, नेपाल की प्रमुख चोटी लिख लीजिए हेडिंग करके, अगला लिखिए नेपाल की, नेपाल की प्रमुख चोटी, नेपाल की प्रमुख चोटी, क्या लिखेंगे, नेपाल की प्रमुख चोटी। यहां से भी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं और बहुत बढ़िया आते हैं, तो हम लोग यहां से भी जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे यहां से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, तो यहां से भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहली जो चोटी आती है उसे एपी कहा जाता है, क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। एपी के बाद जो अगला आता है उसे कहते हैं धौला गिरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एपी धौला गिरी बोलते हैं। धौला गिरी के बाद जो अगला आता है उसे कहते हैं अन्नपूर्णा कहा जाता है, क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा कहा जाता है। एक एक पॉइंट समझना बहुत अच्छे से, ठीक है, एपी धौला गिरी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद जो अगला आता है उसे मनसालू कहते हैं, क्या बोलते हैं, मनसालू। मनसालू के बाद जो अगला आता है उसे कहते हैं गौरी शंकर कहा जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, गौरी शंकर हो जाएगा। ठीक है, गौरी शंकर हो जाएगा, गौरी शंकर के बाद क्या हो जाएगा, चो यू हो जाएगा, चो यू हो जाएगा, चो यू के बाद क्या होता है, इसे माउंट एवरेस्ट आते हैं,
तो कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट हो गया। और माउंट एवरेस्ट के बाद जो अगला आता है उसका नाम तो मकालू होता है, तो अगला क्या कर लेंगे हम लोग, मकालू कर लेंगे। ये सभी के सभी जो है नेपाल की सबसे प्रमुख ऊंची चोटियां हैं जिनको हमने आपको बताया। नेपाल की प्रमुख चोटियों में कौन कौन सी चोटियां आती हैं मैडम? सबसे पहले हम लोगों ने एपी पढ़ा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चेयू, माउंट एवरेस्ट और आपका हो जाएगा मकालू हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग एक को उठाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। शायद आप लोगों को इससे पहले इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं होगी, लेकिन आज आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो अगर माउंट एवरेस्ट का आपसे विस्तार पूछा जाए कि इसका विस्तार क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट अगर पूछा जाए कि इसका विस्तार कहां पर है, तो नॉर्मली आप सब इसका विस्तार क्या बताते हो? नॉर्मली आप सब इसका विस्तार नेपाल बताते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। और हर कई सारी किताबों में इस बात को दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट का विस्तार जो है वो नेपाल में है, सरासर गलत है। याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं कि इसका जो विस्तार है वो कहां कहां पर है, तो इसका विस्तार जो है नेपाल प्लस तिब्बत में है। नेपाल प्लस तिब्बत में इसका विस्तार देखा जाता है। कहां देखा जाता है? नेपाल प्लस तिब्बत में इसका विस्तार देखा जाता है। और अगर हम नेपाल में ले लें, नेपाल की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा नेपाल में इसका सर्वाधिक विस्तार है। क्या है गाइस? नेपाल में इसका जो है सर्वाधिक विस्तार है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो क्या है आपका, तिब्बत में भी है। और नेपाल इतना आकर्षित देश क्यों बन गया, एकदम टूरिस्ट कंट्री क्यों है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट होने से एक तो वहां पे विश्व भर के लोगों का आगमन होता है कि माउंट एवरेस्ट को चल के देखें, जिसके बारे में सुना है कि वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कितना सुंदर है, कैसा दिखता है, क्या उसकी ऊंचाई है। तो एक तो पर्यटक टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात की पर्वतारोहियों के द्वारा बहुत लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और फतेह किया है, नाम दर्ज कराया है गिनीज बुक में, तो एक तो इसके लिए भी होता है। और दो चीजों के लिए, तो टूरिस्ट के लिए और दूसरा पर्वतारोहियों के लिए। जब भी लोग आते हैं तो नेपाल की जो अधिकांश कमाई है, जो उसका इकोनॉमिक मजबूत है, वो आपके पर्यटन से ही मजबूत है। क्योंकि हम जैसे लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ घूमने लायक तो है नहीं, तो हम नेपाल जाएंगे, ज्यादा खुश हो जाएंगे, नेपाल उत्तराखंड। तो जब हम किसी देश में जाते हैं तो वहां पर हम पैसे खर्च करते हैं और वो पैसा उसके गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो देश डेवलप करता है। तो नेपाल की जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स है, वहां की सुंदरता, वहां के हिमालय का विस्तार होना ही उसके इकोनॉमिक को डेवलप करने का काम करता है, उसके इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। लेकिन चीन जो है लगातार माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा इस बात को ठोकता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है 5-6 महीने पहले कि चीन लगातार इस बात से नेपाल से कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट हमारा हिस्सा है। अब बात यह समझने वाली है कि चीन की ये जो गंदी रणनीति है कि हर देश में अपनी टांग फैलाकर कहता है कि मेरा यहाँ पर टांग पड़ा है, ये मेरा हिस्सा है, और बार बार नेपाल कहता है कि आपका हिस्सा है नहीं, शुरू से ये आपका हिस्सा नहीं था और आज भी आपका हिस्सा नहीं है। तो चीन लगातार माउंट एवरेस्ट को लेकर, क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक मुद्दा है टूरिस्ट प्लेस का लेकर, जिससे उसकी इनकम अच्छी होती है, व्यवसाय अच्छा होता है। तो इस वजह से चाइना भी इस पर लगातार विवाद करता है। तो एक तो याद रखिएगा इसका विस्तार दो देशों में, कभी भी अगर आप सब में दिया रहे कि माउंट एवरेस्ट का, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अन्य किताबों में इसके स्रोतों में डायरेक्ट ऐसे ही नेपाल दे रखा है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। दूसरी बात अगर मैं इससे जिक्र करूं तो माउंट एवरेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको दिन बता रखा था कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है और हिमालय का भी सबसे हाईएस्ट पीक है, याद रखिएगा। नेपाल में अगर हम बात करें तो नेपाल में जो हमारा माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा नेपाल में जो हमारा क्या है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में हमारा क्या है, जो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट है, उस नेपाल के माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, इसको सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, सागर माथा नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। और गाइस इस चीज को बहुत ध्यान दे लीजिएगा, ये जो मैंने क्रमिक लिखवाया है, ये जो मैंने क्रम लिखवा रखा है, ये आपका क्या है, पश्चिम से पूर्व में क्रम है।
और एक पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो चेयू और मकालू के मध्य में स्थित है। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो चेयू और मकालू के क्या है, मध्य में स्थित है। इस बात को इतनी जानकारी याद रखिएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका पश्चिम से पूर्व में क्रम है, पश्चिम से पूर्व क्या है, पूर्व क्रम है। इस बात को याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व में क्या है, इसका क्रम है। इस चीज को बहुत ध्यान में रखिएगा। ये माउंट एवरेस्ट का पूरा सेगमेंट हो गया। अब बना लेते हैं, मैप पर देख लेते हैं। इतना ही खास बात है, यहाँ आपका एपी आ जाता है, यहाँ आपका धौलागिरी आता है, ठीक है। एपी धौलागिरी अन्नपूर्णा हो जाता है, मंदसालू हो जाता है, ठीक है, मंदसालू हो जाता है। एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, एपी हो गया, धौलागिरी हो गया, ठीक है, एपी धौलागिरी, अन्नपूर्णा हो गया, अन्नपूर्णा के बाद मंदसालू, फिर आपके गौरी शंकर हो जाता है, ठीक है, गौरी शंकर हो गया, गौरी शंकर के बाद चेयू हो गया, फिर यहां पर देखिए मैं जो सिंबल बना रहा हूं, ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, और फिर यहां पर आपका मकालू हो जाएगा। कुछ इस तरीके से माउंट एवरेस्ट का क्या है, लोकेशन है। अब हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इस तरह से बाइंडिंग करके यहां लिख लेंगे, एपी हो जाएगा, बहुत अच्छे से एपी हो जाएगा। एपी के बाद अगला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग, धौलागिरी कर लेंगे। धौलागिरी के बाद अगला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा। तो गाइस हम लोग यहां पर अन्नपूर्णा कर लेंगे। अन्नपूर्णा के बाद यहां पर आपको क्या लिखा गया है, मंदसालू लिखा है। तो गाइस हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, मंदसालू लिख लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदसालू हो जाएगा, ठीक है। मंदसालू के बाद जो अगला हो जाएगा, ठीक है, गलत हो गया क्या, एपी हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मंदसालू हो गया, गौरी शंकर हो गया, ठीक तो है, गलत नहीं है, क्या हो गया, गौरी शंकर हो गया। तो गाइस हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, गौरी शंकर को लिख लेंगे। गौरी शंकर के बाद क्या लिख लेंगे, चो यू लिख लेंगे, चो यू लिख लेंगे। चो यू के बाद क्या लिख लेंगे, माउंट एवरेस्ट लिख लेंगे, ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, एवं रेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट लिख लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपका मकालू हो जाएगा। तो यहां क्या लिख लेंगे, मकालू लिख लेंगे। ये सारी की सारी आपके यहां से डिटेल फॉर्म्स हो गए। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आ गया, आपको क्लियर हो गया है, पूरा का पूरा सेगमेंट क्लियर हो गया, चल ये पूरा का पूरा अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है। अब गाइस इसके बाद हम लोग लास्ट फॉर्म में आ जाते हैं, अगला हेडिंग डाल के लिख लो, आपको छोटा सा रहेगा, सिक्किम की चोटी लिख लो, सिक्किम की चोटी, सिक्किम की चोटी, सिक्किम की चोटी देख लेते हैं। अब सिक्किम की चोटी में एक ही आती है और वो भी यहां पर आती है, और ये इस तरह से इसका विस्तार देखा जाता है, और ये जो चोटी कहलाती है इसे कहा जाता है कंचनजंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंचनजंगा कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कंचनजंगा कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं, क्या क्या है कंचनजंगा, यहां लिख लेते हैं कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहली बात कि कंचनजंगा का अगर आप विस्तार देखना चाहते हो तो इसका विस्तार भी वही है जो आमतौर की किताबों में लिखा गया, सिक्किम में इसका विस्तार है, जो सरासर गलत है। आपको नया मिलेगा कंटेंट, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो कंचनजंगा का जो विस्तार है वो सिक्किम प्लस नेपाल में, याद रखिएगा, कहां पर है, सिक्किम प्लस नेपाल में इसका विस्तार है, सिक्किम प्लस नेपाल में इसका विस्तार है, ये बात याद रख लीजिएगा पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, याद रखिएगा भारतीय क्षेत्र के अनुसार, याद रखिएगा भारतीय क्षेत्र के अनुसार, भारतीय क्षेत्र के अनुसार, भारतीय क्षेत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट हाईएस्ट पीक हो जाएगी, क्षेत्र के अनुसार मतलब ये पीओके छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों भारतीय क्षेत्र के, देख लो कंफ्यूज मत होना, यहां भारतीय क्षेत्र ऑलरेडी मैंने भारतीय क्षेत्र इंक्लूड कर दिया है, यानी पीओके को छोड़ देंगे हम फिर तब फर्स्ट चोटी हो जाएगी, लेकिन अगर K2 को फर्स्ट लेंगे तो कंचनजंगा को सेकंड पोजीशन पर लेंगे। थर्ड बात क्या है, ये इंडिया का क्या है, याद रखिएगा इंडिया का जो है, ये इंडिया का क्या है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, SERV, बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। और हाल ही में क्या किया गया है, हाल ही में, याद रखिएगा, हाल
ही में इसे क्या किया गया है, हाल ही में इसको क्या किया गया है, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है।